अगर आप देखें तो हमारे देश में सितंबर तक काफ़ी केसेस में वृद्धि पिछले साल पाई गई, जो कि घटते घटते करीब 8,635 केसेस अराउंड स्टार्टिंग ऑफ फरवरी देश में डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट हुए। लेकिन उसके बाद से हम पाते हैं कि धीरे धीरे वृद्धि होते हुए अप्रैल माह में हमारे देश में एक स्टीप राइज इन कोविड केसेस नोट किया गया और करीब 3,86,452 केसेस आज यानी कि पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। इस स्थिति को अगर हम एक और तरीके से एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि हमारी करीब अप्रैल माह से केसेस में एक अत्यधिक वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि आप देखें 5 अप्रैल के समय से करीब देश में प्रतिदिन 1,00,000 केसेस आने शुरू हुए, 15 अप्रैल के करीब यह केसेस बढ़ते हुए 2,00,000 केसेस प्रतिदिन के हिसाब से आने लगे और 22 अप्रैल से यह वृद्धि होते होते 3,00,000 के करीब हमारे केसेस प्रतिदिन हम नोट कर रहे हैं और आज हम 30 अप्रैल के करीब हैं तो हम देखते हैं कि 3,86,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस पूरी वृद्धि को अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा सर्ज हुआ कहाँ से रिपोर्ट हुआ, तो हम देखते हैं कि 4 से 17 फरवरी के इस 14 दिन में हमारे देश में अगर जितने केसेस रिपोर्ट हुए थे उसमें केरला से 46% केसेस, महाराष्ट्र से 25% केसेस और तमिलनाडु से 4.2% केसेस रिपोर्ट हुए और बाकी देश के अन्य प्रांतों और अन्य स्टेट से करीब 24.2% केसेस रिपोर्ट हुए। यह स्थिति अगर हम अगले फोर्टनाइट में एनालाइज करें, अगले 14 दिनों के पीरियड में एनालाइज करें तो पाते हैं कि अत्यधिक केसेस हमारे पंजाब से आने लगे और इस तरह बढ़ते बढ़ते केसेस जो करीब हम देखें कि 4 से 17 मार्च के उस अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से 59.5% केसेस देश के आते थे, केरला से करीब 10%, पंजाब से 5.8%, तो करीब 75% केसेस देश के मार्च माह तक हमारे इन 3 स्टेट से अत्यधिक नोटिस किए गए। इसी ट्रेंड को फर्दर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि महाराष्ट्र से कंटिन्यूड बेसिस पर हमारे केसेस इसी तरीके से सबसे अधिक नंबर में पाए जा रहे हैं। साथ ही पंजाब से जो केसेस हमारे जो पंजाब अगर हम देखें कि तीसरे स्थान पर था तो वह बढ़ते बढ़ते दूसरे स्थान पर पहुंचा और इसी तरह से फर्दर कर्नाटका जहां से 4.3% केसेस हमारे 18 से 31 मार्च के समय में नोट किए गए, साथ ही छत्तीसगढ़ जहां पर 7.4% केसेस नोट किए गए। और इस तरह से देखें कि अब हम अगर पिछले 14 दिन की अवधि में देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र से देश के 21% केसेस, यूपी से 10% केसेस और दिल्ली से 7.8% केसेस नोट किए गए। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमें समझ में आता है कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन फैल रहा था तो करीब 40% केसेस अब जो पिछले अगर 14 दिनों की अवधि में देखें तो वह इन तीन स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से और करीब 60% केसेस यानी कि फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री हैज बीन नोटेड। इसी तरीके से हम देखते हैं कि डेथ में जहां सितंबर माह में हमारी 1,290 डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होती थी वह कम होते होते करीब मार्च तक आते के आते 77 डेथ प्रतिदिन के हम उस अनुपात तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद फिर से करीब अप्रैल माह में एक स्टीप राइज इन डेथ नोट किया गया और आज देश में 3,498 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इन डेथ्स को भी अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जो हमारा ट्रेंड ऑफ डेथ है यानी कि 1,000 के करीब डेथ प्रतिदिन रिपोर्ट होना वह 15 अप्रैल में पहली बार नोटिस किया गया, 21 अप्रैल तक आते आते हमें इसमें एक और वृद्धि नोट की और आज हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली हायर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट कि जितना हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट रहा है उसके तहत हम लोगों ने जो ओवरऑल डेथ मैनेजमेंट रेट है उस पर भी काम करने की अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ कोशिश की है। इसके संदर्भ में अगर हम इस ट्रेंड को भी एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पहले तीन जो अगर हम देखें 14 दिन की अवधि में देखें तो उसमें करीब हमारे 60% डेथ देश की महाराष्ट्र, केरला और पंजाब से रिपोर्ट होती थी और साथ में इस तरह से बढ़ते हुए हम देखें कि 4 मार्च से 17 मार्च वाली अवधि में पंजाब जो दूसरे स्थान पर था वह बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तो यानी कि देश की करीब 75% डेथ महाराष्ट्र, पंजाब और केरला से अगर 4 से 17 मार्च की अवधि में नोट की गई और करीब 27% डेथ
पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से नोट की गई। यह ट्रेंड बढ़ते बढ़ते हमने पाया कि छत्तीसगढ़ में 18 से 31 मार्च की अवधि में ज़्यादा डेथ रिपोर्ट होने लगी। वह थर्ड पोजीशन से बढ़ते बढ़ते सेकंड पोजीशन तक हमने देखा उसको कि वहाँ पर और अधिक डेथ रिपोर्ट हुई हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ से हमारी करीब 50% डेथ देश की रिपोर्ट होती हैं और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से बाकी डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि अगर हम एवरेज डेली न्यू केसेस को पिछले 4 हफ्तों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जो देश की 10 स्टेट से जहां पर कि अत्यधिक केसेस पहले जो वहां पर आते थे, जिसमें कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और केरला स्टेट्स थी, वहां पर हमने पाया कि केसेस में अत्यधिक संख्या में वृद्धि हमने देखा कि फिर वह ट्रेंड के रूप में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई गई। इसके साथ ही केरला में जहां पर कि पहले जो 10वें स्थान पर था देश में, वह बढ़ते बढ़ते वहां पर अभी 4थे स्थान पर करीब 28,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से वहां पर पाए जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य ट्रेंड नोट करने वाला विषय यह है कि हमने देखा कि अप्रैल के मंथ में हमारे देश में सडनली केसेज में वृद्धि भी आई है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि किन स्टेट्स में हमें किन स्टेट्स से कोऑर्डिनेट करते हुए डेथ के विषय में और उनके साथ काम करना है, तो हम पाते हैं कि जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात से स्लाइटली हायर डेथ स्टार्टेड गेटिंग रिपोर्टेड विद इन 1 मंथ पीरियड, 4 वीक्स पीरियड, इसी तरीके से दिल्ली में अब देश में दूसरे नंबर पर डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह वह स्टेट्स हैं जहां पर कि थोड़ी अधिक संख्या में डेथ रिपोर्ट हो रही हैं, जिसके चलते हुए हम उन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन स्टेट्स के साथ क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारा कंटिन्यूड फोकस बना हुआ है।